लास्ट में आपको इस तरह की फिनिशिंग मिलेगी इस दरवाजे पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लकड़ी या फिर प्लाईवुड के पुराने दरवाजे पर जिस पर कि पहले पेंट हुआ हो उस पर पॉलिश वाली लुक कैसे दी जाती है इस पेंट को बिना रिमूव किए हुए। जब पेंट आपका किसी भी कलर का हो पॉलिश करने का प्रोसेस सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम इसका मटेरियल देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या मटेरियल यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सारा मटेरियल है। एक नंबर है सैंड पेपर चाहिए हमें 150 नंबर या फिर 320 नंबर। दो वुड फिलर या फिर चाक मिट्टी रिपेयर करने के लिए। तीन गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट। चार तारपीन ऑयल। पांच ब्राउन इनेमल पेंट रेसा बनाने के लिए। छह लाखदाना पॉलिश। सात टचवुड ग्लोसी। इसके टूल एक है ब्रश 2 इंच या 3 इंच, 2 इंच पत्ती रिपेयर करने के लिए, और मलमल का कपड़ा चाहिए होगा हमें। तो सबसे पहले इस दरवाजे की हमें रिपेयर करनी है। देखिए, जैसे ये जोड़ खुला हुआ है या ये देखिए क्रैक है, यहाँ से ये देख सकते हैं। तो इसकी हमें रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए आप चाक मिट्टी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप वुड फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास है टी कलर का वुड फिलर, रेड मार्क कंपनी है इसकी, बाकी आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं। चाक मिट्टी के मुकाबले यह ज़्यादा मजबूत होता है अगर आप इससे रिपेयर करेंगे। बाकी चाक मिट्टी, ये देखिए चाक मिट्टी है, जीप ब्रांड, ब्रांड कोई भी हो, चाक मिट्टी एक ही प्रकार की होती है। इसमें आपको इनेमल पेंट मिक्स करना होता है ताकि ये मजबूत हो जाए। वैसे एक प्रकार की मिट्टी होती है, जब इसमें इनेमल पेंट डाल देते हैं तो यह मजबूत हो जाती है। ये आपको 20-30 रुपए की 1 kg की पैकिंग मिल जाती है इसकी। देखिए, MRP 30 रुपए है इसकी 1 kg की। इसका कलर वाइट होता है, बिल्कुल वाइट होती है यह। इसमें हम वाइट इनेमल पेंट या फिर आप जो भी कलर करना चाहते हैं वह कलर इसमें मिक्स कर सकते हैं। जो पेंट आप इसमें मिक्स करेंगे उसमें तारपीन का तेल मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर तारपीन का तेल इसमें मिला हुआ होगा तो यह पुट्टी फट जाएगी। पहले इसको पानी से घोलना है, उसके बाद में इसमें इनेमल पेंट मिक्स करना है। इनेमल पेंट मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिलाना है और उसके बाद में आप रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने का प्रोसेस सेम ही होगा, चाहे आप चाक मिट्टी यूज करें या फिर वुड फिलर यूज करें। देखिए, इस तरीके से रिपेयर करनी है। हम वुड फिलर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और सारे जोड़ इसके भर देने हैं, जहाँ पर भी क्रैक हो वो भर देने हैं, या फिर पेंट खराब हो गया हो, पपड़ी बन गया हो, तो उसको भी हमें साफ़ करके वहाँ पर रिपेयर कर देनी है। उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। 15-20 मिनट में ही यह सूख जाएगा प्रॉपर। उसके बाद में हमें इसकी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम 150 नंबर का रेगमल यूज कर रहे हैं इसमें, और इसको अच्छी तरह दबा के मार देना है ताकि जो पुट्टी एक्स्ट्रा लगी हो वह निकल जाए और जो पेंट में दाने दोनों हैं वह भी कट जाएँ इस रेगमाल से। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती है। सैंडिंग करने के बाद में इसके ऊपर हमें पेंट अप्लाई करना है। तो ये देखिए, हमारे पास है एशियन पेंट्स का एक्रोलाइट प्रीमियम इनेमल पेंट, और इसका कलर है गोल्डन ब्राउन। देखिए, लिखा है जी ब्राउन लिखा हुआ है। आधा लीटर की पैकिंग है और इसकी MRP है 150 रुपये। इसको आप स्प्रे गन से भी कर सकते हैं, रोलर से कर सकते हैं, और ब्रश से भी कर सकते हैं। और इस पेंट को पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स करना होता है। 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक पड़ता है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं तेल को। हम इसमें आपको रोलर से पेंट करके दिखाएँगे। ये देखिए, हमारे पास 4 इंची का रोलर है, हम इसी से आपको पेंट करके दिखाएँगे। देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। ये रोलर पुराना है इसलिए इसमें थोड़ा सा पेंट पहले का लगा हुआ है, वह निकल रहा है। बाकी अगर आप नया यूज करते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन वाली लुक दिखेगी। अभी हम इसके ऊपर डबल कोट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। इसके हमें 2 कोट करने होते हैं। 1 कोट मारने के बाद में इसको 5-7 घंटे तक सुखाना पड़ेगा। उसके बाद में हल्की सैंडिंग करके इसके ऊपर आप डबल कोट अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से। तो हमारा 1 कोट कंप्लीट हो गया है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे 5-7 घंटे। उसके बाद में इसके ऊपर हम 2nd कोट अप्लाई करेंगे। 2nd कोट अप्लाई करने से पहले इसकी सैंडिंग कर लेंगे हल्की सी, ताकि दाने दूने कट जाएं। सैंडिंग करने के लिए हम 150 नंबर का रेगमल यूज करेंगे, और फिर इसके ऊपर हमें पेंट अप्लाई कर देना है 2nd कोट, और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है 5-7 घंटे। तो अभी देखिए, हमारा पेंट पूरा सूख गया था। अभी हमने ब्राउन इनेमल पेंट लिया है और 2 इंची का ब्रश लिया है हमने इसके ऊपर रेसा बनाने के लिए, और फिर इस तरीके से इसके ऊपर रेसा बनाएंगे। रेसा आपको जैसे भी चाहिए हो, पतले मोटे आप बना सकते हैं। इस पेंट को थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही पतला करना पड़ता है, इसको बिल्कुल पानी के जैसा बनाना होता है ताकि रेसे आसानी से बन जाएँ। और फिर इस तरीके से इसके ऊपर
रेशे बना देने हैं, जैसे भी आपको रेशा बनाना हो। तो देखिए अभी हमने रेशे बना लिए हैं पूरे इसके ऊपर। अभी हमें इसके ऊपर शाइनिंग के लिए टचवुड ग्लोसी अप्लाई करनी है। ये देखिए ये है टचवुड ग्लोसी, एशियन पेंट्स कंपनी का है। इंटीरियर एक्सटीरियर 1 KPU, 200 ग्राम की पैकिंग है ये और इसकी MRP 70 रुपये है। इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स होता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। इसको आप स्प्रे से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं और कपड़े से भी कर सकते हैं। हम इसको कपड़े से ही एक हाथ मारेंगे। उसके बाद में हमें इसके ऊपर लाख दाना पॉलिश का भी कोट मारना है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बिल्कुल हमें स्मूथ करनी है। जिस तरह की ओरिजिनल फिनिश होती है पॉलिश की, उसी तरह की इसकी फिनिश करनी है। टचवुड ग्लोसी से ये होता है कि हल्के हल्के से दाने दिखाई देते हैं। जब हम लाख दाना पॉलिश इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वह दाने भी कट जाएंगे और इसकी फिनिशिंग भी हाई ग्लोस और स्मूथ हो जाएगी। देखिए हमने मार दिया था इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी। अभी इसको थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर लाख दाना पॉलिश का प्रयोग करेंगे। सूखने के बाद में इसकी हल्की सी सैंडिंग कर लेंगे हम, ताकि जो दाने दोनों हों वो कट जाएं। और उसके बाद में हमें इसके ऊपर लाख दाना पॉलिश का प्रयोग करना है। लाख दाना पॉलिश कैसे बनाई जाती है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि लाख दाना पॉलिश को कैसे बनाया जाता है। और इसके हमें 5-7 हाथ मारने हैं। अगर आपको इसमें कलर ऐड करना है तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, वॉलनट वुड स्टेन जो पॉलिश वाला कलर होता है उसको ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत इसमें कलर भी हो जाएगा अगर आपको डिसकलर लगे कहीं से। तो देखिए इस तरह की फिनिशिंग हो गई है और ये फिनिशिंग स्मूथ फिनिशिंग है, बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ फिनिश है। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, 5-7 हाथ मारे हैं मैंने इसके ऊपर। तो अभी ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाख दाना पॉलिश मारना ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस टचवुड ग्लोसी मार के आप इसको छोड़ सकते हैं, थोड़ी सी स्मूथनेस में स्मूथ नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें टचवुड ग्लोसी से भी हाई ग्लॉस फिनिश पाई जा सकती है।